आज यानी 2 अक्टूबर को चुनाव रणनीतिकार के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर यानी पीके बिहार के गांवों को 2.5 साल मथने के बाद अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। पीके ने ऐलान किया है कि पार्टी की लॉन्चिंग के बाद भी जन स्वराज पदयात्रा जारी रहेगी, लेकिन पार्टी लॉन्च करने से ठीक पहले प्रशांत किशोर को एक काफ़ी अच्छा मुद्दा मिल गया। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में देखा गया था कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्र को पीटा जा रहा है। बस इसी मामले को प्रशांत किशोर अपने जनसुराज अभियान के दौरान बार बार उठाते नजर आए और सिलीगुड़ी की घटना का जिक्र करते रहे। बिहार के राजनीति दलों को कटघरे में खड़े करते हुए सवाल पूछते रहे। इसके पीछे प्रशांत किशोर का तर्क था कि नेताओं की वजह से ही पूरे देश में बिहार के बच्चों को अपमानित किया जा रहा है। पीके कहते हैं, आज पूरे देश में बिहार के लोगों का अपमान हो रहा है। बिहारी व्यक्ति को मूर्ख, अनपढ़ और मजदूर समझा जाता है। आज बिहारी शब्द गाली बन गया है। लेकिन आज इन सभी मुद्दों को उठाते हुए प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। बता दें, सूबे में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि पीके की पार्टी की तस्वीर क्या होगी, कौन प्रमुख चेहरे होंगे और एनडीए महागठबंधन के इर्द गिर्द घूमती सूबे की सियासत में यह नया दल कितना और कैसे जगह बना पाएगा। साथ ही प्रशांत किशोर बिहार में बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू में से किसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। आमतौर पर राजनीति गलियारे में प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल की राजनीति करने के तरीके को सेम माना जाता है, जिसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे हरियाणा की बात करें तो यहाँ की राजनीति में अरविंद केजरीवाल कूद पड़े हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर। कहने को तो अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर दोनों ही अपनी सरकार बनाने के दावे करते हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को मिट्टी में मिलाते हुए सत्ता हासिल कर ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है, बिहार में किस राजनीतिक दल के लिए प्रशांत किशोर दीवार बनकर खड़े होने जा रहे हैं। देखा जाए तो प्रशांत किशोर के टारगेट पर सबसे आगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रहते हैं, लेकिन ये तो उनकी कोशिश है। असल में मुद्दा है, प्रशांत किशोर की तमाम कोशिशों के बावजूद क्या तेजस्वी यादव का कोई नुकसान हो पाएगा। सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव घोर जातिवाद की राजनीति करते हैं, जिसमें यादव और मुस्लिम वोट बैंक है। ये गठजोड़ लालू यादव के समय से ही चलता आ रहा है, जिसे तेजस्वी यादव बरकरार रखने की कोशिश में जुटे हैं। प्रशांत किशोर के लिए यादव वोट बैंक में सेंध लगा पाना असंभव तो नहीं है, लेकिन बेहद मुश्किल भी नहीं। इसी को देखते हुए जन स्वराज के बैनर तले प्रशांत किशोर ने आने वाले विधानसभा चुनावों में 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। अब इसका फायदा उन्हें मिलता है या नहीं, ये तो वक्त ही तय करेगा। तेजस्वी के बाद प्रशांत किशोर के निशाने पर अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। किसी जमाने में नीतीश को डंके की चोट पर बीजेपी से लड़ाकर चुनाव जिता देने वाले प्रशांत किशोर अब उनके खिलाफ ही मैदान में उतर चुके हैं, और दलील ये है कि नीतीश कुमार बदल चुके हैं। जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर आने वाले चुनाव में खुद को बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटेंगे। बिहार में 3 दशक से सिर्फ लालू परिवार और नीतीश कुमार का शासन है, और वह दोनों ही सरकारों की लगातार खामियां गिनाते नजर आते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि प्रशांत किशोर की मुहिम से बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है या नहीं, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में भागीदारी भर है, नेतृत्व तो असल में नीतीश कुमार के हाथों में है। बीजेपी की रणनीति यही है कि नीतीश कुमार की कमियों से वो पल्ला झाड़ ले और उनके सुशासन की विरासत पर जैसा भी हो, जब भी मुमकिन हो, हाथ मार ले। खैर, अब देखना होगा पीके आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कितना दोनों पार्टी के लिए महत्व रखते हैं या नुकसान करते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।